नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। कटनी के बरही एवं विजयराघवगढ़ में ओबीसी के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों के विरुद्ध को लेकर पूर्व सूचना के आधार पर बरही थाना पहुंचकर ओबीसी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे पूर्व में हुए नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़ के ऊपर हमले एवं कुशवाहा समाज विजयराघवगढ़ के ऊपर हुए मारपीट सहित गत दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में पदस्थ डॉक्टर राम मणि पटेल के साथ हुई मारपीट को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बरही थाना प्रभारी एवं तहसीलदार को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की मांग की गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर वी के पटेल ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कहा गया कि आए दिन ओबीसी समाज के साथ मारपीट हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी हाल ही में बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ राममणि पटेल के साथ अस्पताल के अंदर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आरोपियों पर फर दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। यदि जल्द से जल्द पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही नहीं की जाती तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की जोगी। इस दौरान वार्ड क्रमांक 14 के नवनिर्वाचित जजिला पंचायत सदस्य प्रेमलाल केवट, डॉक्टर वी के पटेल, अमित पटेल, निरपत कुशवाहा सहित अन्य की उपस्थिति रही। बरही से नीरज तिवारी। घुसकर ब्राह्मण परिवार के 10 लोगों ने कुशवाहा परिवार के 4 लोगों को जानलेवा हमला किया था, जिसमें सभी लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई थी। शासकीय अस्पताल कटनी में भर्ती होकर इलाज कराया गया था। इसके बाद उस अस्पताल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करा दी गई थी। चूंकि यहाँ भूल निवासी मैदान में चिकित्सकों के सम्मान में भूल निवासी मैदान में चिकित्सकों के सम्मान में भूल निवासी मैदान में चिकित्सकों के सम्मान में भूल निवासी मैदान में पुलिस प्रशासन